फेयर फंडा। आज हम फिजिक्स के इस पार्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड पोर्शन देखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम पूछी जाती है और साथ में रिफ्रैक्शन का जो फिनोमिनन है, डिफ्रैक्शन का फिनोमिनन है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी एसएससी सीएचएसएल सीजीएल और साथ में सीडीएस और एनडीए में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो अपना कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। इससे प्रीवियस वीडियो में, लाइट के वीडियो में, हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करी थी, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर के बारे में। इस वीडियो में हम मेनली अपना फोकस कॉन्केव मिरर पे रखेंगे। कॉन्केव मिरर के बारे में, जैसे कि हमने इससे पहले भी बताया था कि ये जो साइड होती है मिरर की, दैट मींस जो इस तरह से जो कि इस तरीके से हॉलो पोर्शन होता है, उसे हम कॉन्केव साइड कहते हैं। और ये हमने इससे पहले भी, इसका प्रीवियस जो फर्स्ट पार्ट है उसमें डिस्कस किया था कि ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस टच करता है, ये पॉइंट होता है पी पॉइंट, पोल। उसके बाद होता है फोकस, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, दैट लाइन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोर्शन हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया है। अगर आपने वो पोर्शन नहीं देखा है सो प्लीज आप उसको एक बार जरूर गो थ्रू होएगा उस पोर्शन से। अब जब हम कभी, अगर हमें कॉन्केव मिरर पे इमेज चाहिए, मीन्स अगर हम चाहते हैं कि हमें कॉन्केव मिरर में इमेज चाहिए, तो हमें ऑब्जेक्ट को इसके आगे प्लेस करना होता है। जब हम ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के आगे इस प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं, देन वी गेट द इमेज। अब इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है, मतलब इसका क्या पैटर्न है, किस तरीके से हम ये पता ला सकते हैं कि अगर हमने अलग अलग पोजिशन पे ऑब्जेक्ट रखा है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट एफ पे रखा है, फोकस पे रखा है, या ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में रखा है, या फिर ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच में रखा है, और या ऑब्जेक्ट इज एट द मीन्स और फार ऑफ डिस्टेंस पे रखा है, तो कहाँ इसकी इमेज फॉर्म होगी इस कॉन्केव मिरर में, और हमें इमेज का पोजीशन का कैसे पता लगेगा। उसको पता लगाने के लिए देयर आर सर्टन रूल्स, कुछ रूल्स हैं। इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की तभी फॉर्म होती है जब एटलीस्ट दो रिफ्लेक्टेड रे, ये मान लीजिए कि इस वक्त मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये जो एरो हेड है दैट इज अ ऑब्जेक्ट, इसको मैंने कॉन्केव मिरर के आगे रखा है। अब मुझे इसकी इमेज चाहिए। अब इसकी इमेज कैसे बनेगी? जनरली जो इमेज बनती है वो इमेज बनती है जब कम से कम दो रेज जो इस मिरर पे पड़ेंगी और वो जब रिफ्लेक्ट होंगी, जब वापस आएंगी, वहां जो दो रेज जाकर मिलेंगी, इमेज की पोजीशन वो होती है। अब हम इमेज की पोजीशन का पता लगाने के लिए हम वही पाथ को या हम वही रेज को कंसिडर करते हैं। अब ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, अगर इसका इतना मैंने इसका डिस्टेंस लिया है, इसकी मैंने इतनी हाइट ली है, तो यहाँ से रेज तो बहुत होंगी, लेकिन हम सिर्फ कोई दो रेज लेंगे, और वो दो रेज हम कौन से कंसिडर करेंगे, जिनका हमें पाथ नोन है, दैट मींस जिनका हमें पाथ पता है, हमें पता है कि वो यहाँ इस मिरर पर रिफ्लेक्ट करके किस पोजीशन पे जाएंगी, हमें वो पाथ पता है, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें उस रे का पाथ पता है, तभी हम उस रे को ड्रॉ कर पाएंगे, उसको हम कहते हैं रे डायग्राम। और इसी रे डायग्राम के हिसाब से हम बताते हैं कि इमेज की पोजीशन कहाँ है, और इस रे डायग्राम को ड्रॉ करने के सर्टन रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं, उसको हम कहते हैं, उन्हीं को हम आगे इस वीडियो में जो 4 or 5 स्लाइड्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट रूल। अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर passes through its focus after the reflection of the mirror. अब ये मान लीजिए, इसको हम यहाँ पे draw करते हैं, ये है हमारा concave mirror, और ये इसकी side है, ये अंदर वाली side जहाँ से reflection होगा. This is the principal axis. अब ये कहा जा रहा है कि a ray of light which is parallel to the principal axis, वो ray of light जो principal axis है, ये line है principal axis, इस पे ये जो पॉइंट है दैट इज द पी पॉइंट, ये हो गया एफ पॉइंट फोकस, और ये हो गया सी पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये मान लीजिए ये लाइट, ये रे ऑफ लाइट
जो ऑब्जेक्ट से आ रही है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है, जब ये इस कॉनकेव मिरर पे टकराएगी तो ये रिफ्लेक्ट होगी। अब वो जो रिफ्लेक्टेड रे है, वो रिफ्लेक्टेड रे फोकस का वो जो पॉइंट है उससे पास आउट होके निकलेगी, मीन्स वो इस पॉइंट पे, फोकस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज अ रूल। जब कोई इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, व्हेन इट टचेस द कॉनकेव मिरर इट गेट रिफ्लेक्टेड, और वो जो रिफ्लेक्ट होगी वो रिफ्लेक्टेड रे, जो वापस आने वाली रे है, वो फोकस से पास आउट करेगी। दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज, दिस इज द रूल नंबर सेकेंड, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द सेम पाथ। ये कॉनकेव मिरर हम बनाते हैं और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट पी है, दिस पॉइंट इज एफ एंड दिस पॉइंट इज सी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ इज फोकल, एफ 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 इज अ फोकस। अब जब रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, दिस इज अ इंसिडेंट रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ये स्ट्रेट रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, और जब ये मिरर पे टकराएगी तो ये मिरर पे जब टकराएगी एंड इट गेट रिफ्लेक्टेड, तो ये मान लीजिए ये इसका इसकी डायरेक्शन इस तरीके से है, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पास हुई है इंसिडेंट रे, जब वो इस पे टकराएगी तो ये इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक होगी। ये थी इंसिडेंट रे का एरो, और इसके बाद जब वो इस कॉनकेव मिरर पे टकराएगी तो वो इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज द रूल नंबर सेकेंड। व्हाट अबाउट द थर्ड रूल? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। व्हाट अबाउट द थर्ड रूल? थर्ड रूल है ये, जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस से, जब जब भी कोई इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फोकस से होकर गुजरेगी, दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो कि फोकस से पास हो गई। अब ये जब फोकस से ये एक्चुअल में एग्जैक्टली फोकस पे आके टकराती है, फोकस पे जब आके टकराएगी तो ये कॉनकेव मिरर पे आके इसने टच करा, और उसके बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, मींस इस डायरेक्शन में जाएगी। ये थी हमारी इंसिडेंट रे, इसको कुछ नेम दे दीजिए ए, और ये डी। ए डी इज अ इंसिडेंट रे जो कि फोकस से पास हुई है। अगर वो रे इंसिडेंट रे फोकस से पास होके कॉनकेव मिरर पर आ रही है, उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन होगा एंड इट गेट रिफ्लेक्टेड एज ई डी विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर दिशा में ये जाएगी वापस। सो दिस इज अ रूल नंबर थ्री। अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी कोई रे, दिस इज द पोल पॉइंट, दिस इज एफ फोकस एंड दिस इज सी, जब भी कोई अगर इंसिडेंट रे पी पर आके टकराएगी, मतलब वो कॉनकेव मिरर पे टच करी है लेकिन वो टच हुआ है पोल पर, पोल पे आके जब उसने टच करा है तो ये जो एंगल बना रही है, ये मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री का एंगल है मान लीजिए, तो 30 डिग्री के एंगल पे ही ये रिफ्लेक्ट बैक होगी। दिस इज द रूल, दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। सो दिस इज द रूल नंबर फोर। अब इन रूल के बाद हम आते हैं कि किस तरीके से हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और अब हम इसमें कुछ केसेस लेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे प्लेस करेंगे, जैसे कि हम उसको फोकस पे प्लेस करेंगे, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसको प्लेस करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम पोल एंड फोकस के बीच में प्लेस करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे भी प्लेस करेंगे, अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कहाँ इमेज फॉर्म होती है और उस इमेज का नेचर क्या है, मीन्स वो जो इमेज है वो वर्चुअल है या फिर वो रियल इमेज है, या फिर वो इन्वर्टेड है, इरेक्ट है, या मैग्निफाइड है, या डिमिनिश्ड है, उसका नेचर क्या है इमेज का। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर। अब ये जो इसका रे डायग्राम है, इसमें आप ये देखिए कि ये है ऑब्जेक्ट, दिस इज द कॉनकेव मिरर। दिस इज द कॉनकेव मिरर। सो अगर हमने ऑब्जेक्ट को एफ
एफ पॉइंट एंड पी पॉइंट के, पी इज अ पोल, एफ इज अ फोकस, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट ए बी को रखा है। जब हमने ऑब्जेक्ट ए बी को रखा है तो यहाँ से हमने जैसे कि पहले ही बताया कि हम इमेज तभी ड्रॉ कर सकते हैं जब हम एटलीस्ट दो रेस का हमें पाथ पता हो, और उन दो रेस का पाथ पता लगाने के लिए हम उन प्रीवियस रूल्स को फॉलो करेंगे और फिर हम इसका रे डायग्राम देखेंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, इसके टॉप से दो रेज निकली, जैसे कि आप देख रहे हैं एक रे तो है ए डी, दैट ए डी रे जो कि इसके ऊपर मिरर पे आके टकराई है। उसके बाद रूल नंबर फर्स्ट, जब भी कोई पैरेलल रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इंसिडेंट रे, वो कौन के मिरर पर टकराएगी तो फोकस से होकर निकलेगी। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये जो रे है, दैट मीन्स दैट डी एक्स, दैट डी एक्स रे दैट पासिस थ्रू द फोकस, और ये जो आप रे देख रहे हैं ये है रिफ्लेक्टेड रे, फर्स्ट रे। दूसरी रे दैट ए ई, ये ए ई रे जब कॉन्केव मिरर पे आके टच होगी उसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से पास आउट होगी। और ये जो दो रेज आप देख रहे हैं, जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं जिनका हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर ही इमेज फॉर्म होगी। अब ये जो दोनों रेज हैं, ये दोनों रेज डाइवर्जिंग हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। इसका मतलब है कि ये लेफ्ट साइड पे तो कहीं भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब इनको इंटरसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको इंटरसेक्ट करने के लिए हम इसको राइट साइड में प्रोड्यूस करेंगे, दैट मीन्स राइट साइड में इसको आगे लेकर जाएंगे। जब राइट साइड में इसको आगे लेकर जाएंगे तो ये राइट साइड में जाकर मिल जाएंगी एट अ पॉइंट ए डैश, दैट पॉइंट ए डैश इज द इमेज ऑफ द पॉइंट ए। अब पूरी इमेज निकालने के लिए हम इस ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो परपेंडिकुलर आप देख रहे हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी। अब इसका नेचर क्या है, ये जो इमेज बनी है, ये इमेज बनी है ऑन द राइट साइड, मींस ये इमेज बनी है मिरर के पीछे। इसका मतलब है इसका नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट होता है सीधी इमेज। आप देख रहे हैं कि इसका अगर ऑब्जेक्ट का ए पॉइंट ऊपर है तो इसका भी ए पॉइंट ही ऊपर है। इसका मतलब है दैट इमेज इज इरेक्ट और वर्चुअल है, क्योंकि हम इस इमेज को स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, दैट इज बिहाइंड द मिरर ये इमेज बनी है। सो नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और दूसरा है दैट इमेज इज मैग्निफाइड। ये जो इमेज है इसका साइज ऑब्जेक्ट से ज्यादा है, इसलिए हम इसे कहते हैं दैट इमेज इज मैग्निफाइड। सो दिस इज द केस फर्स्ट। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन रखते हैं एट द फोकस, मींस एट द फोकस मींस फोकस, फोकस जो एफ पॉइंट है उस पे हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। अब ये मान लीजिए इसको भी नेम दे दीजिए ए बी, दैट ए बी इज द ऑब्जेक्ट, वी प्लेस इट एट द फोकस पॉइंट। अब फोकस पॉइंट पे रखा है तो इसमें एक रे तो इंसिडेंट रे है, दैट ए, ये नाम इसको दे दीजिए ए डी, ये जो ए डी रे निकली है दैट इज द इंसिडेंट रे। अब ये रिफ्लेक्ट होगी रूल नंबर फर्स्ट के मुताबिक, इसका पाथ हमें पता है कि ये फोकस से होकर निकलेगी। दूसरी जो रे निकलेगी, जो सेकेंड रे आएगी, दैट सेकेंड रे विच इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव मिरर एट द पॉइंट ई, और उसके बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसी पाथ पे जाके, ये दैट मीन्स जो उसकी रिफ्लेक्टेड रे है वो इसी पाथ पे वापस जाएगी और वो पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये जो दोनों रेज पैलर हैं, जो सब हमें पैलर लग रही हैं, ये जाकर मिलेगी एट इन्फिनिटी, मतलब एट अ फार ऑफ डिस्टेंस पे जाकर मिलेंगी दोनों रेज। इनका पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारी इस स्क्रीन से भी बाहर है, दैट मीन्स एट अ फार, एट अ बहुत ही दूर डिस्टेंस पे जाकर ये दोनों रेज मिलेंगी एंड उनके उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ऑब्जेक्ट की इमेज आएगी। तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी, इसके ऑब्जेक्ट की इमेज बनी इन फ्रंट ऑफ द रिवर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने इमेज बनी है एट द इंफिनिटी। तो उसकी पोजिशन क्या हुई, एट द इंफिनिटी। सेकेंड, इट इज रियल। वन थिंग इज दैट कि जब भी इमेज रियल बनती है, जब भी इमेज मिरर के सामने बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, वो हमेशा
इन्वर्टेड होगी। इसका मतलब है जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, मतलब सीधी इमेज होती है, उल्टा नहीं होता है, जबकि रियल इमेज के अंदर इमेज ऑब्जेक्ट से उल्टी होती है। सो इन दिस केस, इस इन केस नंबर सेकेंड, दो जो इमेज बनी है वो रियल बनी है एंड इन्वर्टेड बनी है। सेकेंड, इसका दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट, दिस इज नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट इट इज हाईली एनलार्ज्ड, मतलब कि इसका साइज ऑब्जेक्ट से बहुत ज्यादा है। तो जो अब इसकी इमेज बनी है दैट इज एनलार्ज्ड इमेज। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट को सी एंड एफ पॉइंट के बीच में रखा है, मतलब सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ इज अ फोकस पॉइंट, उन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो जो इमेज बनेगी उसकी पोजीशन क्या होगी। यहां से सेम रूल फर्स्ट तो हर जगह फॉलो हो रहा है, दैट एक जो रे है, इंसिडेंट रे है ए बी, वो डी पे जाके इंटरसेक्ट होगी, और वहां से जो रे रिफ्लेक्ट होगी वो फोकस पॉइंट पे पास आउट करेगी, फोकस पॉइंट से गुजरेगी। दूसरी जो रे है ए ई, इट गेट रिफ्लेक्टेड एज ई सी, ई ई सी और ई ए डैश, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ये दोनों रेज जहां जाकर मिलेंगी, वी गेट द इमेज एंड दैट इमेज इज ऑल्सो रियल। ये इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज ऑल्सो मैग्निफाइड। मैग्निफाइड का मतलब है कि इसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो क्या होता है। इसमें जो एक रे है, ये मान लीजिए ये ई पॉइंट है, जो ए ई इंसिडेंट रे है वो फोकस से पास आउट करेगी एट एफ पॉइंट पे, वो कट करेगी, दैट मींस फोकस पॉइंट से होकर गुजरेगी, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो है ई ए। सेकेंड जो इसकी रे है, वो अभी तक हमने जितने भी रे डायग्राम, मतलब मींस रे डायग्राम करे हैं और जितने भी इससे प्रीवियस केस देखे हैं, सब में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरी रे पास आउट हो रही है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट है ए बी, जो ऑब्जेक्ट है वो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा है, तो दूसरी रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट नहीं करवा सकते, उसके लिए हमें दूसरा ही पाथ को ही देखना पड़ेगा। और दूसरा पाथ क्या होगा, जो दूसरी रे होगी वो फोकस से, इंसिडेंट रे फोकस से होकर गुजरेगी, और जो रे फोकस से होकर निकलती है वो हमने प्रीवियस जो रूल है उसमें डिस्कस किया है कि फोकस से अगर इंसिडेंट रे होकर निकल रही है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, दैट रिफ्लेक्टेड रे इज बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये मान लीजिए ये एफ पॉइंट, मान लीजिए जी पॉइंट है, तो अगर दैट ये वाली जो रे आप देख रहे हैं, ये जो इंसिडेंट रे है ये कॉनकेव मिरर पे जी पॉइंट पे आके टकराई, उसके बाद जो रे निकलेगी वो जी ए, दैट जी ए रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल रे रिफ्लेक्टेड रे होगी, और ये जो दोनों रे जहां 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 जाके टकराएंगी, दैट मींस ई ए एंड जी ए, वो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर ये दोनों रेज जाकर मिलेंगी एंड वी गेट द इमेज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो इमेज है वो इमेज भी रियल है एंड इन्वर्टेड है, रियल है एंड इन्वर्टेड इमेज है, और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो ही इमेज का साइज है। सो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे रखा गया है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट ये है, तो मान लीजिए कि इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे रखा है। अब यहाँ पे एक हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए इसकी जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड द पी, ये मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया 20 सेंटीमीटर पे पोल से, और 20 सेंटीमीटर के भी पीछे, 20 सेंटीमीटर के भी बाद में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। अब जो
ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया तो अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी? फर्स्ट इसकी रे जो जाएगी वो रे तो एज यू नो कि वो फोकस से होकर रिफ्लेक्टेड रे निकलेगी। दूसरी जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी और वो उसी जगह पे, दैट मीन्स कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है रूल नंबर सेकंड के मुताबिक वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो अगर इसका ये वाली रे है, ये वाली रे इंसिडेंट रे है, ये इस कॉनकेव मिरर पे टकराएगी और वो इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक होगी। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में ये दोनों रेज जाकर मिलेंगी एंड वी गेट द इमेज एट दैट मिडिल पॉइंट पे, हमें इमेज मिलेगी और जो इमेज होगी वो होगी रियल क्योंकि ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी है एंड इन्वर्टेड। और दूसरा इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ के बीच पे इमेज बनी है और इसका इमेज का साइज क्या है? इट इज मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी इमेज बनी है। अगर आपने जो हम अपने किचन में घर में जो चम्मच इस्तेमाल करते हैं उस चम्मच का जो अंदर गोल वाला हिस्सा होता है वो जो सरफेस होती है वो कॉनकेव सरफेस होती है, मीन्स वो कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है। तो अगर आप उस चम्मच में अपना चेहरा देखें, थोड़ा दूर अपना फेस को थोड़ा दूर रखिए और फिर अपना चेहरा उसमें देखिए, तो आपको अपना चेहरा एक तो उसमें उल्टा नजर आएगा और दूसरा आपको अपनी इमेज छोटी नजर आएगी, अपना चेहरा आपको छोटा नजर आएगा। सो दिस इज अ केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे प्लेस करते हैं। द लास्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं पता, दैट मींस एट अ फार ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू फोकल लेंथ के मुताबिक, दैट मींस फोकल लेंथ के रिस्पेक्टिव बहुत दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब जब बहुत दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो उससे जो दो रेज निकलेंगी वो दोनों रेज कॉनकेव मिरर पर आकर टकराएंगी और उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक होगी। पहली जो रे होगी अगर वो पोल पे आकर टकराती है, दिस इज अ रूल, व्हेन द रे इज इंसिडेंट ऑन द पोल, वो पोल पे आके टकराएगी तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो ये आप जैसे देख रहे हैं दिस इज अ रे विच इज इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर एट द पोल, तो ये इसी एंगल में रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ये है वो रे। दूसरी जो रे है वो भी इसी ऑब्जेक्ट से आ रही है, वो दूसरी रे मिरर पे आके टकराएगी और वो फोकस से पास आउट होगी, फोकस से पास आउट होगी, इसका मतलब है जो रिफ्लेक्टेड रे होगी दैट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो जहां पे ये दोनों रे टकराएंगी वो पॉइंट होगा बिटवीन, दैट पॉइंट इज एट द फोकस, दैट पॉइंट इज एट द फोकस, दिस इज अ फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट पे आके इमेज बनेगी एंड द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, और जो इमेज बनेगी वो बनेगी स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। और इसकी थर्ड चीज है दैट इट इज एट द एफ पॉइंट और एट द फोकस ऑफ द मिरर। सो दीज आर द सम केसेस, और इसकी जो अभी तक हमने किया है उसकी समरी इस टेबल में है कि अगर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी तो कहां जाके इमेज बनेगी, इमेज बनेगी एट द प्रिंसिपल फोकस, उसका नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, मतलब साइज में बहुत छोटी होगी। इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब है कि बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो पोजिशन है ये बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसका इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी, इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट, दैट मींस बिटवीन सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट की सॉरी इमेज की पोजीशन होगी। नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज की इमेज बनती है, दिस इज अ मेन पॉइंट कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का साइज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। और उसकी पोजीशन क्या होगी, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां ऑब्जेक्ट है वही इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में तो जो इमेज की पोजीशन होगी बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो कॉनकेव मिरर
में जो इमेज बन रही है वो कॉमनली और नॉर्मली रियल एंड इन्वर्टेड है, केवल एक केस को छोड़कर। एक केस कौन सा है कि जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस एंड पोल के बीच में होगा तभी जो इमेज होगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, इसका मतलब है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इसके अलावा इस केस को छोड़ के जितनी भी इमेज जितनी भी पोजिशंस हैं उस पे जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या है, मतलब कॉनकेव मिरर का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल एक तो टॉर्च लाइट में एज अ रिफ्लेक्टर के तौर पे किया जाता है, दूसरा जो कार की हेडलाइट्स होती हैं, कार की हेडलाइट में भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, और डेंटिस्ट के पास जो चेकअप के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो टीथ का क्लोजर व्यू देखते हैं वो भी कॉनकेव मिरर होता है, क्योंकि इमेज जो बनती है दैट इमेज इज एनलार्ज, मतलब कि वो काफी उसका अच्छा वाइड व्यू वो कॉनकेव मिरर देता है। ऐसे ही जो शेविंग मिरर होते हैं उसमें भी अगर चेहरा पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा जाए तो उसका एक वाइडर व्यू और उसका काफी अच्छा व्यू मिलता है, मतलब जो एरिया होता है वो अच्छे से हमें दिखाई देता है, मींस उसका जो एरिया होता है वो अच्छे से एनहेंस्ड हो जाता है। कॉनकेव मिरर आर यूज इन टॉर्च सर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दे आर यूज एज शेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर ऑल्सो टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। दे आर यूज बाय द डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। एंड लार्ज कॉनकेव मिरर दे आर यूज इन द जो जो सोलर पैनल होते हैं, मीन्स सोलर पैनल में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज जैसे हमने बताया कि ये जो मिरर हैं ये कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर, ये बीम ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देते हैं सोलर बीम को। सो देयरफॉर दे आर यूज इन द सोलर पैनल टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। नाउ नेक्स्ट इज अ साइन कन्वेंशन। अभी साइन कन्वेंशन क्या है? साइन कन्वेंशन एक्चुअल में न्यू कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से हमने कुछ साइन कन्वेंशन, मतलब कि कुछ पैटर्न्स है जो कि हम फॉलो करते हैं फॉर स्फेरिकल मिरर। ये जो साइन कन्वेंशन है ये स्फेरिकल मिरर के लिए, मतलब कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर के लिए हम इनको यूज करते हैं। नाउ व्हाट आर दीज साइन कन्वेंशन? ये आप देख रहे हैं, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। अब ये जो कॉनकेव मिरर है इस पे ये जो पॉइंट है जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस टच होता है ये होता है पी पॉइंट, पोल पॉइंट, और हम इस पोल पॉइंट को वी टेकन इट एज द ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन की तरह लेते हैं किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। अब डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस, मतलब कि एक तो यू इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, एंड वी इज अ इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। सो कहने का मतलब ये है कि पोल को हम ओरिजिन की तरह कंसिडर करते हैं, कोई भी डिस्टेंस हमें, अगर या तो हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है या इमेज का डिस्टेंस मेजर करना है, दोनों ही केसेस में हम पोल को ओरिजिन लेकर चलते हैं। अब ये देखिए कॉनकेव मिरर के केस में हमेशा ऑब्जेक्ट जो होता है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर प्लेस है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, हमेशा हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में ही रखेंगे कॉनकेव मिरर की। अब ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट लाइट आएगी वो हमेशा इस डायरेक्शन में होगी जहां ये आपको एरो दिखाई दे रहा है। सो दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो अगर हम किसी भी डायरेक्शन को जब मेजर करेंगे, किसी भी डिस्टेंस की डायरेक्शन को मेजर करेंगे, अगर वो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में है तो हम उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और अगर वो इस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में है, तो उसको हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। अब जैसे कि मैं कॉनकेव मिरर के बारे में बात करती हूँ, कॉनकेव मिरर के केस में मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड पर रखते हैं, मिरर के सामने रखते हैं। इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द मान लीजिए पॉइंट बी जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है एंड द पी, दैट डिस्टेंस इज यू, ये डिस्टेंस है यू। और कॉनकेव मिरर के केस में ये डिस्टेंस क्या होगा, दैट डिस्टेंस इज नेगेटिव। क्यों?
ये डिस्टेंस नेगेटिव क्यों है? क्योंकि मैंने कहा कि हमेशा हम पोल को ओरिजिन लेकर चलते हैं. वी टेकन वी मीन्स वी ऑलवेज टेक पोल एज द ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ डिस्टेंस. तो अगर मुझे ये डिस्टेंस मेजर करना है, दैट मीन्स पी बी, तो पी बी डिस्टेंस की डायरेक्शन क्या हुई? इसकी डायरेक्शन हो गई ये. और ये जो डायरेक्शन है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इंसिडेंट डायरेक्शन के अपोजिट है. इसका मतलब है कि हमेशा कॉनकेव मिरर के केस में यू कम्स आउट टू बी नेगेटिव. हमेशा हम उसका जो साइन लेंगे वो हम नेगेटिव साइन लेंगे. नंबर जो भी हमें न्यूमेरिकल में गिवन होगा वो नंबर होता है, लेकिन हम हमेशा उसका साइन नेगेटिव लेंगे. दिस इज द साइन कन्वेंशन. अब जो इमेज बनेगी, दैट इमेज का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, वी कॉल्ड इट एज अ वी. इसको हम वी से डिनोट करते हैं. वी इज अ इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल. यहां भी पोल को हम ओरिजिन की तरह लेते हैं. अब जैसे मैंने बताया, कॉनकेव मिरर के केस में केवल एक केस है, जब ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच में रखा होता है तभी वर्चुअल इमेज बनती है. अदरवाइज सारी इमेज जो है वो रियल बनेंगी. रियल इमेज है इसका मतलब है ऑन द लेफ्ट साइड है इमेज. वर्चुअल इमेज है इसका मतलब है बिहाइंड द मिरर है. अब ये जो मैंने केस कहा जहां पे ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के, दैट मींस फर्स्ट केस जो हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट रे डायग्राम, पी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट था, उस केस में जो इमेज बनी थी वो इमेज बनी थी यहां, एंड दैट इमेज इज एनलार्ज्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट. अब ये जो इमेज बनी है ये वर्चुअल इमेज है. अब इसका डिस्टेंस क्या होगा? इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ये मान लीजिए ये पॉइंट है बी डैश. इसका मतलब है दैट डिस्टेंस पी बी डैश. दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी बी डैश. और इसकी डायरेक्शन आप देखेंगे, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये इसकी डायरेक्शन होगी ऐसी, क्योंकि हम हमेशा पोल पोल को ओरिजिन लेते हैं. तो पोल से स्टार्ट करें, पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया पी बी डैश. That PB dash, we taken it as a positive because it is in the direction of the incident light. वो incident light की direction में ही है. incident light की direction क्या है? ये इसी direction में object की जो है वो direction है. sorry, उसी direction में image की direction है. PB dash is a image का distance है ये. So therefore we taken it as positive in case of virtual image. So इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी image virtual होगी इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, उस केस में जो इमेज का डिस्टेंस होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर. नाउ व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट? अभी ऑब्जेक्ट हमने जो प्लेस किया है, इसके डिस्टेंस को हम कैसे पॉजिटिव मींस पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस से, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस की आप लाइन देख रहे हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस से अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन है, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे. और अगर डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो उसको हम नेगेटिव डायरेक्शन लेंगे. सो दीज आर द साइन कन्वेंशन. ये हर जगह ऐसे ही फॉलो किए जाते हैं. सिर्फ कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये जो मिरर है ये चेंज होता है, उसके मुताबिक ही हम ये साइन कन्वेंशन लेते हैं. तो जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे इन द जो आने वाला वीडियो है उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे, तब हम वहां उसके साइन कन्वेंशन देखेंगे. अभी हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की. तो कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को हम ऐसे इरेक्ट प्लेस करते हैं, दैट मींस ए बी. अब जैसे आप देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है कि जो इसकी हाइट है उसको हम पॉजिटिव लेंगे. वी ऑलवेज टेकन इट एज पॉजिटिव. इमेज अगर वर्चुअल बनी है, इसका मतलब है इरेक्ट इमेज है, इसका मतलब है इस वर्चुअल इमेज के केस में हाइट हो गई पॉजिटिव. लेकिन रियल इमेज जैसे मैंने बताया हमेशा इनवर्टेड होती है, सो देयरफॉर उसको हम लेंगे नेगेटिव बिकॉज इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज अबाउट द साइन कन्वेंशन, कि साइन कन्वेंशन को हम किस तरीके से देखते हैं. अब आने वाले आगे वीडियो में हम देखेंगे, स्लाइड में देखेंगे किस तरीके से इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम इसको लेकर चलते हैं. नेक्स्ट इज अ मिरर फॉर्मूला. नाउ मिरर फॉर्मूला इज द, ये जो मिरर फॉर्मूला है, ये जो मिरर फॉर्मूला है दैट रिलेट बिटवीन द ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इनके बीच का रिलेशन बताता है. वी इज अ डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर और पोल.
पोल से इमेज का जो डिस्टेंस है उसको हम वी से डिनोट करते हैं. यू क्या है? यू इज अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड एफ इज अ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर. दिस इज अ मिरर फॉर्मूला विच इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो. बस साइन कन्वेंशन यहाँ पे चेंज होता है. नाउ वट इज अ मैग्निफिकेशन? अब जैसे कि हमने कहा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो है दैट इज इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन, वेयर एच टू इज अ हाइट ऑफ द इमेज एंड एच वन इज अ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. जब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन होता है, मतलब वन से ज्यादा होता है, तब हम कहते हैं दैट देयर इज जो मीन्स जो जो मीन्स जो इमेज है, इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट. अगर ये एक से कम है तो इसका मतलब है कि द इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. इफ इट इज इक्वल टू वन, इसका मतलब है कि इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. सो दीज आर द तीन इसके सब, दैट मीन्स इसके सब कंटेंट है. लीनियर मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, वो है माइनस वी अपॉन यू, मीन्स माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय यू. इस माइनस साइन को रिमेंबर रखिएगा, दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इन दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके दैट मीन्स दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन एंड मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू. इन दोनों का यूज करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. सो दिस इज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. फाइंड द साइज नेचर पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर. अब देखिए ऑब्जेक्ट का साइज है 1 सेंटीमीटर का, जो कि कॉनकेव मिरर के सामने रखी हुई है. अब कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा, इसका मतलब है कि इसका जो हाइट है वो है 1 सेंटीमीटर. एच वन हमें गिवन है, दैट एच वन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और इसको हम पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर. नाउ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है हमें, यू, दैट यू इज 15 सेंटीमीटर का हमें गिवन है, और ये कहाँ रखा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर. इसका मतलब है बिकॉज ऑफ द साइन कन्वेंशन इसको हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे प्लेस है कॉनकेव मिरर के सामने. अब यहां से हमें निकालना है v, मतलब सबसे पहले हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द मिरर फॉर्मूला, 1 upon u + 1 upon v इज इक्वल टू 1 upon f. और क्या गिवन है, और हमें गिवन है फोकल लेंथ, मींस f, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. अब फोकल लेंथ कहां पर है, फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड द पोल जो मिरर के लेफ्ट साइड पे है. इसका मतलब है ये भी, इसको भी हम नेगेटिव में लेंगे बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन. अब यहां से इस फॉर्म में पुट करके हमें v फाइंड आउट करना है. v क्या है, v इज अ इमेज डिस्टेंस. v कैन बी फाइंड आउट बाय, इसको पुट करिए तो ये हो जाएगा 1 by v - 1 upon 15. ये माइनस साइन आया है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि u को जब आप पुट करेंगे तो u विद अ माइनस साइन, दैट प्लस एंड माइनस इट मेक्स माइनस, इज इक्वल टू -1/10. इसको यहां से सॉल्व कर लीजिए, 1 upon v इज इक्वल टू -1/10 + 1/15. सो अब इसको सॉल्व करिए, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम आता है 30. सो ये हो जाएगा -3 + 2 इज इक्वल टू -1/30. सो यहाँ से v आता है इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. इसका मतलब है इमेज का डिस्टेंस है एट 30 सेंटीमीटर पे, पोल से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म हुई है. एंड और माइनस साइन है, इसका मतलब है कि दैट इमेज इज रियल, क्योंकि माइनस साइन है इसका मतलब है लेफ्ट साइड पे ही इमेज फॉर्म हुई है, इसी की वजह से हमने इसको रियल कहा है. नाउ व्हाट अबाउट द साइज, अब हम इस पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, एक इसका फॉर्मूला है h2 upon h1. सो यहाँ पे हमें h2 नहीं पता, लेकिन हमें पता है
एच वन, सो एच वन इज 1 सेंटीमीटर, सो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन. सेकेंड रिलेशन वी कैन यूज एज माइनस वी अपॉन यू. सो माइनस साइन को साथ में लेकर चलेंगे, वी हमारा आया था माइनस 30 डिवाइडेड बाय यू, यू इज माइनस 15, सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया माइनस 2. सो दैट मैग्निफिकेशन इज 2. इसका मतलब है कि जो साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा है. अब इसको ये माइनस 2 को अगर आप यहां पुट कर दें, क्योंकि m की वैल्यू आ गई माइनस 2, सो पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1, यू विल गेट माइनस 2 इज इक्वल टू एच 2. इसका मतलब है कि उसकी इन्वर्टेड इमेज बनी है, क्योंकि H2 क्या है, H2 इज अ हाइट ऑफ द इमेज, क्योंकि ये माइनस साइन का है, इसका माइनस साइन का मतलब आ रहा है कि द इमेज इज इन्वर्टेड. तो यहां से हमें क्या पता लगा, दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है. और सेकेंड चीज है कि दैट इमेज इज मैग्निफाइड. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉनकेव मिरर. सो दिस एंड आवर सेशन. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स मिरर, जिसके हम दो केसेस देखेंगे, दैट मीन्स उसके टू रे, उसमें दो उसके रे डायग्राम डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे. विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन. आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो अपने कमेंट दे सकते हैं, और साथ में इस राउंड बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. दिस इज आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, और इसके अलावा हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं. एंड विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. हैव अ नाइस डे.